सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहां सुबह के मुख्य समाचार। धर्मशाला में करो या मरो के हालात में उतरेंगी टीमें, लीग के अंतिम चरण के मैच होंगे। आईपीएल के इस सीजन में धर्मशाला में होने वाले मैच सभी टीमों के महत्वपूर्ण रह सकते हैं। लीग के अंतिम चरण में यह मुकाबले खेले जाने हैं। लीग का अंतिम चरण सभी टीमों के लिए महत्वपूर्ण रहता है और स्थिति करो या मरो की रहती है। आईपीएल का सीजन आज से शुरू हो रहा है, लेकिन धर्मशाला में दो मुकाबले मई में होने हैं। 17 मई को पंजाब किंग्स दिल्ली और 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उतरेगी। हिमाचल के लाखों उपभोक्ताओं को आज लग सकता है महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को आज महंगी बिजली का झटका लग सकता है। आज राज्य विद्युत विनियामक आयोग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दरें तय करेगा। प्रदेश सरकार से कम सब्सिडी जारी होने से दरों में बढ़ोतरी होने के आसार बन गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली बोर्ड को 500 करोड़ रुपये का ही उपदान मिला है, वहीं कांग्रेस सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कल से रूटों पर नहीं चलेंगी HRTC की 15 साल पुरानी 112 बसें जाने वजह। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की 112 पुरानी बसें 1 अप्रैल से रूटों पर संचालित नहीं होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का संचालन करने के आदेशों के चलते 112 बसों का संचालन रोक दिया जाएगा। वहीं HRTC की बेड़े में इसमें करीब 3,200 बसें हैं। हिमाचल में ई जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के सुप्रीम आदेश। अदालत से जमानत मिलने के बावजूद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने हिमाचल में भी ई जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना असम, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात ने शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गोवा राज्यों के लिए अदालत ने ई जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के आदेश दिए हैं। वहीं जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को रिहा करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट बंद, नहीं मिल रहा भर्तियों का रिकॉर्ड। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड। सरकार के कहे मुताबिक अभी तक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला शिफ्ट नहीं हुआ है। इससे पहले ही कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। वेबसाइट के बंद होने से दर्जनों पोस्ट कोड की भर्तियों की जानकारी न तो विजिलेंस को मिल पा रही है और न ही अभ्यर्थियों को। यही नहीं, विभिन्न भर्तियों की जांच कर रही SIT टीमों ने OSD से रिकॉर्ड की मांग की है, लेकिन आयोग में कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से अब SIT को रिकॉर्ड मुहैया करवाना मुश्किल हो गया है। मामला ध्यान में आते ही OSD ने प्रदेश सरकार को चयन आयोग में कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करने के बारे में पत्राचार किया है, ताकि वांछित रिकॉर्ड SIT को उपलब्ध करवाया जा सके। खैरी पुल पर क्रिकेट खेलते गेंद पकड़ने के चक्कर में नदी में डूबा किशोर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खैरी पुल पर क्रिकेट खेलते वक्त गेंद पकड़ने के चक्कर में पांव फिसलने से 16 वर्षीय किशोर मोहित कुमार रावी नदी में डूबने से लापता हो गया। किशोर के नदी में डूबता देख उसके दोस्तों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने किशोर के न दिखाई देने पर तुरंत पुलिस और डलहौजी प्रशासन को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने NDRF टीम को किशोर की तलाश के लिए बुलाया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार मोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार गांव खिलग्राम वीरवार शाम अपने दोस्तों संग खैरी पुल पर क्रिकेट खेल रहा था। अचानक उसकी गेंद नदी में गिर गई। गेंद पकड़ने के लिए जब वो आगे बढ़ा तो संतुलन बिगड़ने से वो रावी नदी में जा गिरा, जिसे देख उसके दोस्तों के पांव तले जमीन खिसक गई। किशोरों के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच किशोर की तलाश आरंभ की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों संग मिल किशोर की तलाश आरंभ की, लेकिन उन्हें किशोर कहीं नहीं मिला। धनीराम शांडिल बोले, कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को हटाने पर होगा विचार। हिमाचल प्रदेश में कोविड काल के दौरान आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को हटाने पर विचार किया जाएगा। इसको लेकर अभी कोविड के बढ़ रहे मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
उसके बाद ही इनको लेकर निर्णय लिया जा सकता है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने कालीबाड़ी शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब महामारी काफी तेजी से फैली थी तो उस दौरान काफी कर्मचारियों को आउटसोर्स के तहत भर्ती किया गया था। इन दिनों प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। वहीं लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से पहले सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता था, वैसे ही लोगों को सभी नियमों की पालना करनी होगी ताकि इससे बचा जा सके। हिमाचल अप्रैल में नहीं कटेगा एनपीएस का शेयर, ओपीएस के लिए अभी नहीं मांगा विकल्प। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर्मचारियों का शेयर मार्च के वेतन के लिए काट दिया गया है। यह अप्रैल के वेतन से नहीं कटेगा जो 1 मई को देय होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल के बाद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का हिस्सा कटना बंद होगा। हालांकि इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, न ही अभी सरकार ने इसके लिए कोई विकल्प मांगा है। प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को 1 अप्रैल के बाद से लागू किया जा रहा है। वहीं ओपीएस देना कांग्रेस की पहली गारंटी है। इसे सरकार ने सत्ता में आने के 10 दिन बाद या पहली कैबिनेट बैठक से लागू करने की घोषणा की थी। वहीं राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को हुई थी। 85% से अधिक अंक लेने वालों को मिलेंगे 10 अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मुहैया करवाई जाने वाली डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के लिए 85% से अधिक अंक लेने वाले परीक्षार्थियों को 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जिस अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय 50,000 से कम होगी उसे भी 10 अंक आवंटित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के लिए अंकों का निर्धारण किया है। कर्मियों के डीए की 3 किस्तें पेंडिंग, प्रदेश सरकार को एरियर से पहले महंगाई भत्ते पर सोचना होगा। हिमाचल में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता एक बड़े इंतजार का विषय बन गया है। वजह यह है कि राज्य सरकार अभी तक महंगाई भत्ते की 3 किस्तें नहीं दे पाई है। राज्य के कर्मचारियों को अब भी 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दे रही है। कुल 11% का अंतर आ गया है। इससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को सोलन के ठोडो मैदान से की थी। इस पर तब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद से अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए मिल रहा है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान, पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी वशीकरण व मुठकरनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।